Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Dutta. And in today's video, I'll be sharing my personal story. अभी 3-4 दिन पहले की कि क्या चल रहा था 3-4 दिन पहले से. तो आज 4 दिनों बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड आई गॉट मैनी कॉमेंट्स कि आप कुछ दीदी कुछ पोस्ट कर दो, आप एक्टिव क्यों नहीं हो चैनल पे, ऑल गुड. तो आई डोंट नो व्हाई आई वॉज, बट आई वॉज इन अ रियली वियर्ड मेंटल स्पेस फ्रॉम 3-4 डेज. आई वॉज ओवर थिंकिंग लाइक एनी थिंग. लाइक आई एम अवेक टिल 3:30 और पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ 3:30 बजे तक. मेरा दिमाग बस भाग रहा है, अननेसेसरी चीज़ें सोच रही हूँ मैं. एंड देन आई लाइक 4 डेज बैक आई आस्क माई सेल्फ कि क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा. कुछ मेरा काम करने का मन नहीं है, प्रोडक्टिविटी मेरी बिल्कुल ज़ीरो, मोटिवेशन टू वर्क 0/0, बिल्कुल मोटिवेशन टू वर्क नहीं मेरा ज़ीरो एकदम, प्रोडक्टिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं. एंड ऐसा तो नहीं चलेगा काम. तो मुझे लगा कि मैं तो सबको कहती हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, मैं खुद क्यों इतना अजीब सा फील कर रही हूँ और वाई आई एम बींग सो पेसिमिस्ट फॉर सो मेनी थिंग्स. सो आई रियलाइज्ड कि मैं जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस करती थी पहले, मैं खुद अब नहीं कर पा रही हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि आप एक बार एक टाइम पे आप मेडिटेशन करते थे या एफर्मेशंस करते थे तो वो उसका असर हमेशा जीवन काल चलता रहेगा. वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस में रखनी पड़ती हैं. अगर कुछ टाइम के लिए, लाइक इफ़ यू आर मेडिटेटिंग सो योर माइंड इज़ वेरी काम, पर अगर आपने कुछ टाइम छोड़ दिया उसको बिल्कुल और आप बिल्कुल ही अलग चीज़ों में लग गए उसके बाद, तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे उसे टच में रहना पड़ता है चीज़ों के, तभी मैं उसको अपनी लाइफ में फिर फील कर पाऊँगी. तो मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. वन डे आई लाइक मेक माई सेल्फ सिट एंड आस्क क्या चल रहा है नेहा, क्यों ऐसा वियर्ड, वाई यू आर बिहेविंग दिस वियर्ड एंड वाई यू आर फीलिंग दिस वियर्ड. आई वॉज फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड विद थिंग्स. कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ. तो फर्स्ट आई मेक माई सेल्फ सिट एंड विद अ पेन एंड पेपर एंड राइट कि वॉट एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग, वॉट एग्जैक्टली इज़ बॉदरिंग मी. एंड मैंने लिखा, एक पेज तक लिख लिया उसको, उसको वापस से पढ़ा तो मुझे पता चला कि यू नो व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू अबाउट राइटिंग एंड व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट राइटिंग. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इशू को, नॉट इवन प्रॉब्लम, कोई भी इशू हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू है, हम जब उसको पेन डाउन करते हैं तो हमें समझ आता है कि वो इतना बड़ा इशू भी नहीं है. वो हमारे दिमाग में हमने बस उसको बहुत बड़ा इशू बना रखा है. तो अगर आप प्रॉब्लम्स लिस्ट करते हैं, कोई भी आप किसी भी कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है वो आपके हिसाब से, आप जब उसको लिस्ट करते हैं 2-3 पेज लिख लीजिए बैठ के. लिखने से क्या होता है, एक बार आपने लिख लिया सारा कुछ पेज पर आ गया, पेपर पर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख पा रहा है. जब आपने उसको एक बार पेपर पर लिख दिया तो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली कि आप सोच क्या रहे हो. जब आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप खुद को समझा पाओगे उस चीज़ के लिए. तो पहली चीज़ मैंने वापस से इनकॉर्पोरेट करी वो है राइटिंग या जर्नलिंग, जो मैं अपने थॉट्स को जर्नल करती थी पहले. तो पहली चीज़ जर्नलिंग. दूसरा, आई बिकम रियली कॉन्शियस अबाउट द टाइप ऑफ कॉन्टेंट आई एम कंज्यूमिंग. यू नो वी नेवर रियलाइज इट, पर अगर आप स्ट्रेच में आधा एक घंटा बैठ के हार्ट ब्रोकन शायरी सुन लो या हार्ट ब्रोकन गाने सुन लो, यू लिटरली स्टार्ट टू फील कि मेरा दिल टूटा है शायद सही में. क्योंकि जैसी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो कोई एग्रेसिव कंटेंट हो सकता है, वो कोई आजकल थोड़ी टॉक्सिक कॉमेडी चल रही है, लाइक दे क्रिप अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और वो कॉमेडी के नाम पे मतलब सब कुछ क्रिप करो, सबको ऐसे सब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में ऐसे करके मतलब क्रिपिंग करो अननेसेसरी. वेन यू सी रीड दैट और कुछ लिसन, वेन यू लिसन दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट, यू स्टार्ट टू फील कि कितना रिलेटेबल है, मेरी लाइफ भी क्या है, मेरी जिंदगी भी क्या चल रही है. तो ऐसे ऐसे, तो इसलिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ अबाउट द टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग. तो सेकेंड मैंने इसको ये करा, मैंने तो लिटरली ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे 2-3 की, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है अननेसेसरी का कॉन्टेंट कंज्यूम करके, विच डजेंट इवन मेक सेंस वाई आई एम कंज्यूमिंग दिस कॉन्टेंट. तो मैंने इसलिए ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया 2 दिन के लिए. जर्नलिंग स्टार्ट करी, सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया या फिर नोटिफिकेशंस बंद कर दिए कुछ के. थर्ड थिंग विच आई डिड इज़ रात को सोने से पहले मैंने वापस से मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करा. क्योंकि व्हेन योर लाइफ इज़ अ बिट स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बिजी हो जाता है दिन, तो वो जो सारी प्रैक्टिसेस मैं पहले करती थी वो थोड़ा छूट गई बीच में. तो मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, मैंने उसको वापस से रिज्यूम करा. यू नो वॉट वी पीपल डू, हम जब द मोमेंट वी हिट बेड एट नाइट, हम अपने सारे पास्ट के डिसीजन को याद करके उस पर रिग्रेट करते हैं रात को. हमारा काम यही होता है सोने से पहले कि हमने जितने डिसीजन लाइफ में लिए हम बैठकर उस पर रिग्रेट करेंगे. पूरे दिन में हमने जो भी नॉट सो गुड चीज़ें गई हम उसको याद करेंगे. कल आने वाले दिन में जो भी हमें लगता है कि ये थोड़े प्रॉब्लम कॉजिंग एरियाज हो सकते हैं, हम उसके बारे में वरी करेंगे. तो हम रात को ये सब कुछ दिमाग में भर के सोते हैं.
एंड आई रेड इट इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस आई गेस, या मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जो सोने से जस्ट पहले का थॉट होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन सेव हो जाता है और उसका इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में आगे दिखने लगता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को सोने से पहले आप अपने दिमाग को थोड़ा खाली और शांत करके सोएं। इसलिए मैंने मेडिटेशन करना या कोई डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मैंने ये करना वापस से शुरू करा। तो जब मैं रात को शांत दिमाग से ये सब कुछ खाली कर जब सोने जा रही हूँ तो सुबह मैं अच्छे मूड में उठने लगी। फिर कोई ऐसा कुछ बहुत कुछ चेंज नहीं करा, एक मैंने 30 मिनट्स इन्वेस्ट करे कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी रात को सोने से 30 मिनट्स पहले, मैं मेडिटेट करके सोऊंगी। तो मैंने उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया था कि मेरा नेट भी बंद है, मैं नेट की कोई नोटिफिकेशन कोई पिंग कुछ नहीं आना चाहिए, मैं नेट भी ऑफ है, मैं सिर्फ मेडिटेट करके सोने जा रही हूँ। दिस इम्प्रूव्स माई स्लीप, मेरी साउंड स्लीप होने लगी, डीप स्लीप हुई, और जब मैं बेटर सो रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली जब उठूँगी तो फ्रेश और एकदम अच्छे मूड में उठूँगी, तो इससे ये फ़र्क पड़ा। फोर्थ थिंग विच आई चेंजेस, आई स्टार्टेड माई एफर्मेशंस अगेन। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि बाहर मुझे किसी एरिया में चीज़ें कैसी भी लग रही हैं बट आई विल नॉट अटर एनी नेगेटिव सेंटेंस, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूँगी। कुछ हो सकता है कुछ मेरे हिसाब से नहीं भी जा रहा बट स्टिल आई ट्राई टू मेक माई कूल, और मैं एटलीस्ट क्रिबिंग नहीं करूँगी अननेसेसरी बात करके। यूजुअली क्या होता है जब हमारी किसी से बात होती है बाहर, हम किसी से बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, तो कोई सामने से क्रिब कर रहा है तो हम भी फिर क्रिब में पार्टिसिपेट करते हैं, दो चार हम भी शब्द बताएंगे कि भाई हम कम दुखी हैं क्या, हमारे लाइफ में भी तो इतनी चीज़ चल रही है, हम अपना दुख बताएंगे। वो दुख बताते बताते में हमें पता नहीं चलता कब हम उस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं कि वी स्टार्ट टू फील कि हमारी लाइफ में तो कितना कुछ बेकार चल रहा है, कहाँ अच्छा चल रहा है, देखो ये एरिया बेकार है वो एरिया बेकार है। तो इसमें हम अपनी लाइफ में कितने ग्रेटफुल हैं कितनी चीज़ों को लेकर वो भूल जाते हैं। इसलिए आई थॉट कि मैं अभी अननेसेसरी कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज ही नहीं करूँगी, मुझे जब तक मेरा कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं है या मुझे किसी से अर्जेंटली किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ काम के रिगार्डिंग बात नहीं करनी है तो आई विल नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू एनी सच कन्वर्सेशन जहाँ पे क्रिबिंग का कोई स्कोप भी हो सकता है। सो आई बिकम कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। इससे क्या हुआ कि मैं अगर किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही तो ऑब्वियसली ना मैं नेगेटिविटी जैसे क्रिबिंग अकेले अकेले तो बैठ के करूँगी नहीं, अकेले अकेले तो मैं कॉन्शियस रहूँगी कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ कर लूँ, एफर्मेशंस कर लूँ, थोड़ा मेडिटेट कर लूँ, तो इसलिए मैंने बाहर थोड़ा बात करना कम कर दिया। एंड चार दिन हुए हैं ये करते हुए, तीन दिन हुए हैं एंड आई एम फीलिंग गुड अगेन। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये डूएबल चीज़ें हैं। इफ़ आई हैव टू कंक्लूड व्हाट ऑल आई हैव सेड सो फार, सो फर्स्ट थिंग स्टार्ट जर्नलिंग, सेकेंड थिंग बी कॉन्शियस इनफ दैट अबाउट द टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया, थर्ड थिंग इज स्टार्ट मेडिटेशन, एंड बिफोर हिटिंग बेड मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिग्रेटिंग अबाउट द डिसीजंस यू हैव मेड इन द पास्ट बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल देम, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट देम। एंड बिफोर हिटिंग बेड मेक श्योर दैट यू आर मेडिटेटिंग बिकॉज इट विल हेल्प यू इन स्लीपिंग बेटर, एंड आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी अच्छा अच्छा मूड से आप उठोगे क्योंकि जब आप बेटर सो पाओगे तो आप बेटर रिलैक्स्ड फील करोगे उससे। तो थर्ड थिंग इज़ दिस, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, फोर्थ थिंग इज़ कि आप एफर्मेशंस करने स्टार्ट करो। एफर्मेशंस के लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, ऑल्सो आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो। और उसके बाद पाँचवीं चीज़ ये कि आप क्रिब नहीं करो, ट्राई कि अगर कोई लाइफ का सिचुएशन किसी भी एरिया में आपके हिसाब से नहीं भी जा रहा है तो एटलीस्ट डोंट क्रिब अबाउट इट। पहले बोलना बंद करो बाहर कि आप ये सोचो कि मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एग्ज़ाम है मेरा और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं एटलीस्ट किसी और से ये चीज़ नहीं बोलूँगी कॉल करके या मैसेज करके या कैसे भी कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं ये बोलूँगी नहीं। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं उसके लिए कर क्या सकती हूँ ये सोचूंगी, पर मैं नेगेटिविटी बोलूंगी नहीं क्योंकि सिचुएशन इतनी होती है, इशू इतना होता है, हम बोल बोल के उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, वो फिर एक दिमाग में ऐसे बहुत बड़ा बोझ लगने लग जाता है। तो एटलीस्ट मैं बोलूंगी नहीं उस चीज़ को, इतना करूंगी मैं। तो ये पाँच चीज़ें छोटी छोटी डूएबल चीज़ें हैं, मैंने ये अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करी एंड आई स्टार्ट टू नोटिस अ डिफरेंस इन माई बिहेवियर अगैन, आई एम फीलिंग हैप्पी लाइट गुड अगैन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें हमेशा लगता है कि खुद में बदलाव लाना है या जीवन में बदलाव लाना है, जीवन लाइफ में चेंज लाना है तो मुझे शायद कुछ बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत है, पर अगर आप ये छोटी तीन चार चीज़ें भी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरू करते हो सो यू स्टार्ट टू नोटिस बिग डिफरेंस इन योर बिहेवियर, हाउ यू परसीव लाइफ, हाउ यू डू थिंग्स इन योर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है इससे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो डू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आई विल श्योर टू आंसर देम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।